हाल ही में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। इस फिल्म का बजट महज 18 करोड़ था, जबकि फिल्म ने इससे कई गुना ज्यादा कमाई कर ली है। वैसे अक्षय की फिल्म ने भले ही जबरदस्त कमाई की हो, लेकिन 2017 में कई बड़े बैनर की फिल्में आई जो सुपर फ्लॉप रही। हम आपको बता रहे हैं 2017 की ऐसी ही 14 और फिल्मों के बारे में जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। मशीन, बजट 30 करोड़, कमाई 3 करोड़। रंगून, बजट 80 करोड़, कमाई 21 करोड़। इंदू सरकार, बजट 20 करोड़, कमाई 4.8 करोड़। नूर, बजट 22 करोड़, कमाई 7.5 करोड़। मेरी प्यारी बिंदु, बजट 22 करोड़, कमाई 9.5 करोड़। सरकार पार्ट 3, बजट 35 करोड़, कमाई 9.90 करोड़। बेगम जान, बजट 19 करोड़, कमाई 20.90 करोड़। ओके जानू, बजट 27 करोड़, कमाई 23.60 करोड़। कमांडो पार्ट 2, बजट 20 करोड़, कमाई 25 करोड़। राबता, बजट 23 करोड़, कमाई 25.60 करोड़। मॉम, बजट 40 करोड़, कमाई 37.02 करोड़। जग्गा जासूस, बजट 131 करोड़, कमाई 53.03 करोड़। जब हैरी मेट सेजल, बजट 119 करोड़, कमाई 61 करोड़। ट्यूबलाइट, बजट 100 करोड़, कमाई 100 करोड़। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।